हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हारा भाई अभी वापस आ गया। गाइस, वैसे मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, भले मेरी यूट्यूब का नेम अभी डेली ब्लॉग से, बिकॉज ऑफ रीज़न। क्या रीज़न है मेरा, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो एक्चुअली डैमेज हो गया है। तो अभी मेरा फ़ोन और उसका फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो गाइस उसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि 3-4 महीने से कोई ब्लॉग भी नहीं आया, तो गाइस मेरे कंटिन्यू ब्लॉग्स आपको डेली ब्लॉग्स जनवरी में मिलेंगे, क्योंकि जनवरी तक मैं न्यू फ़ोन ले लूँगा अपना। थोड़ा आधे 1.5 महीने और वेट करना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैंने भैया का फ़ोन लिया था ब्लॉगिंग करने के लिए। मैंने सोचा आज 3-4 महीने से ब्लॉग नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल भी नीचे जा रहा है, डाउन ही जा रहा है, ग्रो नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा ब्लॉग्स तो डालने पड़ेंगे। तो भैया थे रूम पर, तो भैया का फ़ोन लेके आज मैंने ब्लॉगिंग कर ली। तो आज मैं आपको बताऊँगा ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तो मैं जा रहा नाश्ता करने, उसके बाद मैं रेडी होकर जिम जाऊंगा, तो आपको जिम भी बताऊंगा। टाइम देखते रहिए ब्लॉग। तो गाइस हमारा नाश्ता आ गया है, भैया अभी सो के उठे हैं। क्या बना नाश्ते में गाइस, आपको तो पता होगा, मेरा पहला ब्लॉगिंग में देख लिया होगा। तो अभी बेल बनाया है आज नाश्ते पर, तो मेरे को तो पसंद नहीं, पर भैया बोल रहे थे मेरे को खाना है, भूख लगी है, क्योंकि वो कॉलेज से भी आए थे, सोए हुए थे। भैया की हालत देख रहे होगे, तक गए हैं। तो गाइस यही है नाश्ता, तो यही सब मिलता रहता है और कुछ नहीं। अभी मैं रेडी हूँ थोड़ी देर से जिम के लिए, और भाई साहब ने तो जिम के पैसे भर दिए, जिम जाते नहीं हैं। बॉडी शॉडी तो आप देख ही सकते हो भाई की, कितनी बड़ी इतनी बॉडी है भाई की, देख के आप लोग डर जाओगे, इतनी ख़तरनाक बॉडी है। तो बस भैया नाश्ता कर लें, फिर अभी टाइम 5:30 हो रहा है, 10-20 मिनट बाद जिम निकल जाऊँगा। तो आपको मिलता हूँ मैं आगे जिम के बाद, जिम टाइम निकलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, देखते रहिए अभी डेली ब्लॉग्स। बाय गाइस, अभी रूम से बाहर आ गए हैं और देखा क्वालिटी है एकदम। तो गाइस अभी शाम को 6 बज रहा है ना, तो अभी हम लोग जिम साइड जा रहे हैं, और भैया तो जिम जाएंगे नहीं, क्योंकि बता चुका हूँ बड़े आदमी पैसा जमा करके जिम जाते ही नहीं। भाभी से मिलना है, और भैया तो जा रहे हैं अपनी फ्रेंड लोग से मिल रहे हैं, उनका वेट कर रही हैं कैफ़े में, तो उनका तो अलग ही सीन रहता है। तो अभी जिम पहुंच के आपको आगे मिलते हैं। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय भाई और बहन। गाइस फाइनली जिम आ गया मैं, ये रहा हमारे जिम के ट्रेनर। सर अपना नाम बता देना। मेरा नाम है राजा पारोचिया। राजा पारोचिया सर, ई मेन जिम है इंद्रपुरी सेक्टर सी में। ये रहा मेरा जिम का व्यू, पीछे देख सकते हो आप लोग। अभी 7:30 तक पूरी फुल हो जाएगी, है ना। तो गाइस अभी अभी जिम पहुँचा हूँ मैं, उसके बाद आप लोग को आगे बताता हूँ मैं प्री वर्कआउट में क्या लेता हूँ, प्री वर्कआउट में आपको क्या लेना चाहिए। तो मैं आपको आगे मिलता हूँ फॉर 2 मिनट्स। बाय बाय। मैं जो प्री वर्कआउट लेता हूँ वो है बिग मसल्स का। गाइस ये है, बहुत पावर जनरेट करता है भाई बॉडी में, सीरियसली। वर्कआउट टाइम आपको ज़रूर लेना चाहिए, लुक एट दिस। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 500 का है, 250 ग्राम है, ज़्यादा स्कूप्स नहीं रहते। आई थिंक 33, मतलब 1 महीना चल जाएगा आपका। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा डब्बा लेना। आई थिंक ये मेरा सेकेंड टाइम ले रहा हूँ मैं बिग मसल्स का। तो गाइस ये ज़रूर लेना आप, सीरियसली बहुत अच्छा है बिग मसल्स का। एंड इससे इतना आपको मसल्स पंप अप में हेल्प होगा, और लाइक वेट, मतलब एनर्जी बहुत जनरेट करता है सीरियसली। आ गया भाई, चेक कर रहा है ये है क्या। ये आई थिंक गाइस ये महीने में 4-5 दिन जिम आता है, और वही चेस्ट मारेगा, भाई सब मारेगा, निकल जाएगा बस। 4-5 दिन ही आता है बस, और नहीं आता है वो जिम। ये हमारे सबसे खतरनाक वेट मारने वाले भाई कोहली भाई। तो गाइस सब मिलते हैं आपको जिम के बाद, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। ब्लॉगिंग जैसी भी लगी हो, बाय बाय। हाँ, अगर आपको प्री वर्कआउट लेना है तो ये बिग मसल्स का ही लेना। चलो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय। डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे, क्योंकि भैया पास में आ गए तो रोज़ ब्लॉग बनते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर। तो जैसे कि लाइक कमेंट शेयर कर देना। हाँ।